ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लेके आए हैं करंट का टॉपिक लोकपाल, जो कि अभी लोकपाल काफ़ी चर्चों में आया और गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट लोकपाल को नॉमिनेट किया गया है, जो भारत सरकार के पहले लोकपाल होंगे। लोकपाल अध्यक्ष बोल सकते हैं, लोकपाल नहीं, लोकपाल तो एक संस्था है और जिसके अध्यक्ष होंगे। तो लोकपाल अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया, जो अभी मानव आयोग के सदस्य हैं और ये सुप्रीम कोर्ट में पूर्व जज रह चुके हैं। तो पिनाकी चंद्र घोष को पहले लोकपाल के अध्यक्ष बनाया। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम बात करेंगे लोकपाल क्या होता है और कहाँ से शुरुआत हुई, इसकी हिस्ट्री के बारे में पहले बात करेंगे। ओम्बुड्समैन बोला जाता है और ये ओम्बुड्स एक स्वीडिश वर्ड है। तो दोस्तों, ओम्बुड्स से बना है ओम्बुड्समैन और ये स्वीडिश वर्ड है, किसी व्यक्ति का प्रतिनिधि या प्रवक्ता। तो शाब्दिक अर्थ होता है कि सार्वजनिक ड्यूटी पर तैनात जनता का वकील। तो ये जनता का एक तरह से वकील का कार्य रहता है लोकपाल का। और ये स्वीडन में सर्वप्रथम आया था दोस्तों, 1809 में आया गया था। उसके बाद डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे में आया था। न्यूजीलैंड एंड ब्रिटेन में क्रमशः 1962 एंड 1967 में आया था और इसी लोकपाल को संसदीय आयुक्त के रूप में स्वीकार किया था। तो लोकपाल को न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में क्या बोला गया था, संसदीय आयुक्त के रूप में बोला गया था। और ये ओम्बुड्स वर्ड से बना है, ओम्बुड्स का एक स्वीडिश वर्ड है जिसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति का प्रतिनिधि या प्रवक्ता, जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है सार्वजनिक ड्यूटी पर तैनात जनता का वकील। तो लोकपाल की क्या ड्यूटी होगी, मतलब जनता के वकील के रूप में कार्य करेगा और भ्रष्टाचार जहां पे भी करप्शन वगैरह हो रहा है वहां पे उजागर करेगा। इसके कार्य के बारे में आगे बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है एमपी फिल्टर के रूप में। एमपी फिल्टर क्या होता है, एमपी फिल्टर जो ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में क्या बोला जाता है, संसदीय आयोग के रूप में स्वीकार किया गया था। तो ये ब्रिटेन के संसदीय आयोग की विशेषता है। तो इसकी क्या विशेषता है कि जनता प्रशासन को से संबंधित अपनी शिकायत सीधे संसदीय आयुक्त को न भेजकर अपने सांसद के माध्यम से भेजती है। तो मतलब इसमें एक तरह से एमपी बीच में आता है, एमपी इन्वॉल्व रहता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, एमपी फिल्टर बोला जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, एमपी फिल्टर समझ में आ गया, मतलब एमपी के थ्रू कोई भी आपकी कंप्लेन है जनता की तो वो आपके एमपी मतलब सांसद के थ्रू होके जाएगी, इसलिए इसको एमपी फिल्टर बोला जाता है। कई साम्यवादी देशों जैसे रूस, चीन, हंगरी, रोमानिया आदि में ओम्बुड्समैन को प्रोक्यूरेटर के रूप में अपनाया गया है। तो जो साम्यवादी देश है उन्होंने प्रोक्यूरेटर के रूप में अपनाया है। भारत में लोकपाल की सर्वप्रथम मांग केएम मुंशी द्वारा 1960 में की गई थी और संसद में यह मुद्दा एल एम सिंघवी द्वारा उठाया गया था, जो कि अपने जोधपुर के रहने वाले हैं दोस्तों, राजस्थान में जोधपुर शहर के रहने वाले एल एम सिंघवी के द्वारा, और ये 1963 में पहली बार संसद में उठाया गया था। और सर्वप्रथम मांग जो है केएम मुंशी द्वारा की गई थी और जो राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 में लोकपाल जैसी संस्था की आवश्यकता को उल्लेखित किया था। जो राजस्थान में प्रशासनिक सुधार सेवा समिति की सुधार समिति का गठन हुआ था 1963 में, तो उसने भी लोकपाल जैसी संस्था की मांग की थी। उसके बाद दोस्तों, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा भी 1966 एंड 1968 में भी केंद्र स्तर पर लोकपाल तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की गई थी। तो अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में लोकायुक्त है और केंद्र में लोकपाल की मांग की गई थी। तो राज्य स्तर पर क्या होता है, लोकायुक्त होता है और जो सेंट्रल लेवल पर होगा लोकपाल अध्यक्ष होगा और लोकपाल एक संस्था होगी। और सेकंड, द्वितीय प्रशासनिक आयोग, जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 से 2008 में था, उसमें केंद्र स्तर पर लोकपाल तथा राज्य स्तर पर राज्य लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की गई थी। राज्य स्तर पर राज्य लोकायुक्त सेम डिमांड की गई थी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग, एआरसी लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम। तो प्रथम कब हुआ था, 1966 से 68 में, वही प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग को एआरसी शॉर्ट में बोल दिया है, ठीक है। ये कमेटी के बारे में बात की गई है, एआरसी फर्स्ट। तो 1966 से 68 में इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो मोरारजी देसाई थे, बाद में मोरारजी देसाई संसद में चुने गए थे, इसलिए इनकी जगह सेकंड जो अध्यक्ष थे वो के हनुमंतैया, आपको याद रखने की, सेकंड जो अध्यक्ष थे वो के हनुमंतैया थे। और इसने अपनी रिपोर्ट में कितने सुझाव दिए थे, टोटल रिपोर्ट 20 प्रतिवेदन दिए थे। जो एआरसी सेकंड थी उसने 15 सुझाव दिए थे और इसके जो अध्यक्ष थे वो वीरप्पा मोयली थे और 2005 से 2008 में लागू हुई थी। तो दोनों जो एआरसी है इन्होंने लोकपाल एवं लोकायुक्त की डिमांड की थी। और राजस्थान प्रशासनिक सुधार सेवा प्रशासनिक सुधार समिति ने भी 1963 में इसके बारे में डिमांड की थी। और संसद में सबसे पहले उठाने वाले अपने जोधपुर के रहने वाले एल एम सिंघवी के द्वारा 1963 में इसके बारे में बात किया गया। एल एम सिंघवी जी जोधपुर के रहने वाले हैं
और सर्वप्रथम मांग है जो के एम मुंशी के द्वारा 1960 में की गई है दोस्तों। इस तरह हम बात करेंगे भारतीय संसद में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा राजस्थान का जो प्रथम राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति बनाई थी 1963 में, जिसमें ये मांग की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? हरिश्चंद्र माथुर थे, एफसी माथुर। और जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार समिति थे उसके भी शिवचरण माथुर, दोनों के ही जो अध्यक्ष है वो कौन थे? माथुर थे। और द्वितीय कब हुआ था? 1999 में, और फर्स्ट 1963 में। तो फ्रेंड्स ये था राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति के बारे में बात किया। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक मई 1968 में आया था, जब एआरसी ने डिमांड की थी। उसके बाद लोकपाल विधेयक पहली बार 1968 में आया था और आज 2019 चल रहा है, तो देख लो लोकपाल को चुनने में अपने कितना वक्त लग गया और इतना क्यों लगा, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है फ्रेंड्स। तो लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में पारित किया गया था, इसकी जो महत्वपूर्ण तिथियां उसके बारे में हम बात करेंगे। 70 वर्ष बाद मतलब लोकपाल विधेयक पहली बार 1968 में पारित हुआ और आपका 70 वर्ष लग गए लोकपाल को लाने में। संसद में प्रस्तुति की तिथि 22 दिसंबर 2011 को संसद में, राज्यसभा द्वारा पारित 17 दिसंबर और लोकसभा ने राज्यसभा के एक दिन बाद ही पारित कर दिया था 18 दिसंबर 2013 में, और राष्ट्रपति ने जो हस्ताक्षर कर दिया था वो 1 जनवरी 2014 में, और जो लागू हुआ था वो 16 जनवरी 2014 में ये लागू हो गया था फ्रेंड्स। पर जो लोकपाल का अध्यक्ष है उसको नियुक्त करने में काफी टाइम लग गया, क्योंकि इसके जो गठित करने की कमेटी है उसमें विपक्ष का नेता होना चाहिए और अभी फिलहाल विपक्ष के नेता नहीं थे, तो इसकी वजह से अभी 5 साल इसमें लगे रहे। 16 जनवरी 2014 से लेके आपको अभी मार्च आ गया 2019, अब हम जाके लोकपाल अध्यक्ष को नियुक्त कर पाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद नियुक्त किए गए हैं। लोकपाल अधिनियम की विशेषताएं, लोकपाल अधिनियम क्या है? एक बहुसदस्यीय संस्था होगी जिसमें एक अध्यक्ष तथा 8 सदस्य होंगे। इसमें क्या है दोस्तों, 8 सदस्य होंगे, उसमें से अध्यक्ष की योग्यता क्या होनी चाहिए? अध्यक्ष या तो सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश होगा, वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश हो सकता है, या मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, या प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है। और 8 सदस्य जो होंगे उसमें से 4 सदस्य की न्यायिक पृष्ठभूमि से, और शेष जो 4 सदस्य होंगे गैर न्यायिक सदस्य होंगे दोस्तों। ये थी लोकपाल के बहुसदस्यीय संस्था के बारे में बात। 1+8, 1 में आपका जो है या तो सुप्रीम कोर्ट का CJI या जज होना चाहिए, और फ्रेंड्स न्यायिक सदस्य की क्या क्या योग्यता, जो 4 न्यायिक सदस्य हैं जो न्यायिक पृष्ठभूमि से आए हैं उनकी क्या क्या योग्यता होगी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश हो सकता है, और किसी राज्य उच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही होना चाहिए, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। गैर न्यायिक सदस्यों की योग्यता प्रतिष्ठित व्यक्ति है, और प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जिसकी योग्यता सत्यनिष्ठा संदेश प्रयोग हो तथा उसे भ्रष्टाचार विरुद्ध नीति के लोक प्रशासन का ज्ञान हो, ये प्रतिष्ठित व्यक्ति था। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने बात किया न्यायिक सदस्य और प्रतिष्ठित सदस्यों के बारे में। तो जो लोकपाल संस्था है वो 8 सदस्य की होगी, और कौन कौन सदस्य नियुक्त किए गए इसका हम सेकंड वीडियो बनाएंगे, उसमें बारे में बात करेंगे। 8 सदस्य ऑलरेडी नियुक्त हो गए हैं, इसमें से 4 न्यायिक पृष्ठभूमि के हैं और 6 गैर न्यायिक पृष्ठभूमि के। जो न्यायिक पृष्ठभूमि के होंगे वो या तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं, या हाईकोर्ट के वो मुख्य न्यायाधीश ही होने चाहिए, हाईकोर्ट का जज न्यायाधीश की नियुक्ति इसमें नहीं कर सकते। इस तरह देख सकते हैं लोकपाल में कितने प्रतिष्ठित एवं क्वालिफाइड लोगों को चुना जाता है, ये तो देख सकते हैं आप दोस्तों। और लोकपाल संस्था के अंदर कौन कौन आता है और कौन कौन नहीं आता है इसके बारे में हम दोस्तों आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। तो हमारा सेकंड वीडियो होगा उसमें हम ये सब बात करेंगे, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। फ्रेंड्स थैंक यू।